तो हे गाइस वेलकम टू द चैनल। अभी सुबह 11:45 हो रहे हैं और चीकू एंड मी हम दोनों निकले हुए हैं कहीं बाहर। कहाँ जा रहे हैं हम चीकू? डेंटिस्ट पे जा रहे हैं चीकू के दांत निकलवाने के लिए। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। चीकू क्या है, फ्रंट के दो दांत ना बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं और उसके पीछे एक दांत निकला है। तो पंगा ये है कि हम तो छोटे थे, हम तो खुद नहीं निकाल लिए थे या फिर मम्मी पापा निकाल लेते थे, बट यार मेरे से नहीं निकाला जा रहा। एकदम दांत भी बहुत छोटा है ना, इसकी वो बहुत छोटे छोटे दांत है तो हाथ में पकड़ में भी नहीं आ रहे। और यार कहीं ना कहीं डर मन में ना थोड़ा सा होता ही है यार, समझ सकते हो। आजकल के जो माँ बाप है, हम जैसे जो न्यू जनरेशन माँ बाप जो है हम लोग, यार हमसे नहीं देखा जाता, हमसे नहीं किया जाता। ये नीचे वाले फ्रंट के दो दांत इसके हिल रहे हैं, उसके बैक साइड पे एक दांत निकला है। ये 6 साल का, 7 का हो जाएगा। वो तो ये बताएगा दर्द है चीकू। पीछे वाले जो टीथ आ रहा है ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि निकालने तो है ही, हमने निकालने तो है ही, ये थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्या पता खुद से ही निकल जाए। देखो ये वाला दांत है, जैसे ये भी पूरा बना नहीं है, जब धीरे धीरे ये भी आएगा तो ये रिजॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको कोई दर्द नहीं है, निकाल देंगे तो ठीक है फिर छोड़। मैं एक्चुअली मेरे को यही था कि कुछ मेजर इशू ना हो जाए दांत वजह से। घर आ गए हैं और अभी सीन ये होगा कि प्रीति जो है, मतलब जो इसकी मम्मी है, वो क्वेश्चन करेगी फालतू की। उसको पता है पर जानबूझ के मुझे लेगी, क्यों नहीं निकाल, क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो हम उसके पंगे लेने नहीं देंगे। वो बोलती रही भाग क्या जाओ बोला है। दांत किधर है चीकू, दिखाना दांत किधर है चीकू, दिखाना अपना फेस। क्यों दिखाओ तो सही, किसको दांत टूट गए बताओ क्या कह रही है। वो एकदम ओके निकल रहा है पीछे वाला दांत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हफ्ते भर में अपने आप निकल जाएगा ये निकल जाएगा। हाँ, उसने मना ही कर दिया कि कह रही मेरी मानो तो मत निकलवाओ। कह रही मेरे को क्या दिक्कत है, मैं निकालने को निकाल दूंगी। कह रही निकालने को तो मैं तो निकाल दूंगी, मुझे क्या दिक्कत है। कह रही बट नेचुरल निकलने तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। पीछे 3 दांत आ रहे हैं इसके अलग अलग, 1 2 3। तो 3 टूटेंगे ना फ्रंट के। मैंने कहा था ना तुम अभी नीचे ये ऐसी बातें करेगी और देख लो वो स्टार्ट हो गई है बातें इसकी। फालतू की बातें करवा लो। अबे सिंपल सी बातें निकल रहे तो आगे टूटेंगे तभी तो पीछे के 3 निकलेंगे। मैंने जब तक वो अभी तीसरा नीचे है, एक्सरे किया है उसने, मैंने एक्सरे देखा है, तीसरा नीचे, जब तक वो ऊपर आएगा तब तक तीसरा भी हिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सारे निकलने स्टार्ट हो गए दांत इसके। अरे ऐसे नहीं दिखेगा ना, इसके साथ एक दांत और निकल रहा है, वो कल परसों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद तीसरा एक और निकल रहा है। वो तुम्हारे ही निकल हो सकता है, ऐसा उसके साथ नहीं होगा। अब जल्दी से मेरे लंच दे दो मुझे, दिख रही यार। वो देखो क्या मस्त लग रही है इलेक्ट्रिक कार यार, पता नहीं कौन सी कंपनी की है। कौन राहुल आया क्या? अच्छा हाँ, तो वो ऐसे बैठते हैं उसको नीचे मजा नहीं आ रहा होगा उनके साथ। प्यारी तो लग रही है। नितिन के बाद रखवा दिया माल और
शाम को भैया उठा लेंगे, इसमें से ये चीज़ निकाली थी माइक, गलती से मैंने शालू में डाल दिया था माइक इसके अंदर, ये है निकाल लेते पसीना। और ये आ गया हमारे अन्ना भैया। चलो जी अब भटूरे खाने चलते हैं, ये पीछे पटक दे फेंक दे पीछे, यही फेंक दे कहीं पे भी। सो अभी यार नितिन के साथ निकल गया हूँ सीएनजी भरवाने के लिए, आ गया हूँ सिंगल पॉइंट रह गया था सीएनजी का। हाँ तो यहाँ सीएनजी भरवाएंगे, सीएनजी भरवा के निकलेंगे। यार एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा भाई, ये दिल्ली में ना कसम से कोई इस गाड़ी का एसी काम बिल्कुल नहीं करता। वहाँ इसलिए करता क्योंकि वहाँ पर ना नॉन स्टॉप चलती है गाड़ी बिना रुके, ना इतनी कोई जाम वाम होता हमारे वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर एसी फिर भी काम कर लेता है। यहाँ एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, देख लो बिल्कुल मैं मिनिमम पे चला रखा है मैंने एसी, फिर भी काम नहीं कर रहा। और मैं अपने वहाँ पर जो है इसके सेकंड या थर्ड पॉइंट पे चलाता हूँ, एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हेलो जी आईपीएल चालू और हम अपने चार पाई पे आराम से बैठे हुए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है यार। थोड़ा सा अपना बढ़िया हो यार, थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे लगाई है। ये तो माल बहुत सारा फैल गया, ये तो अभी गाड़ी में शिफ्ट भी करना है ना वापसी, कल तो गाड़ी सर्विस होएगी, तो ये मैंने यहाँ फिक्स कर दिया इसको। सही लग रहा है ना, अब क्या यहाँ आराम से बैठ जाओ दिन के टाइम में, शाम को तो यहाँ पर स्टूल लगा लूँगा। और शाम को भी क्या दिक्कत अगर यहाँ बैठे तो यार, कस्टमर तो हैंडल करना है, कस्टमर हैंडल कर लेंगे। लाइट नहीं आ रही, शाम के 7:20 बज गए हैं और मच्छरों ने हालत खराब कर रखी है, तो शॉप बढ़ा रहा हूँ मैं तो भाई, इन्वर्टर लगाना पड़ेगा भाई यहाँ पर, तो हालत ख़राब है। बेटा 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 बेटा, ये है मेरा बेटा, स्माइली बेबी बोल रहा है पापा। मामा का फोन रखा है, हाँ सो अभी अपना जो है मोबाइल चार्ज कर लिया, बैटरी नहीं थी इसमें बिल्कुल भी क्योंकि शॉप पे लाइट नहीं थी। और अब मैं फ्रेश व्रेश हो गया हूँ, घर जल्दी आने का रीज़न पता ही है शॉप पे लाइट ना होना। और ये मोटी यहाँ खाना बनाते हुए, कड़ी पकौड़े भी बनाए कड़ी में, चलो ठीक है कोई, खट्टे खट्टे खुशबू अच्छी आ रही है। ये रे बच्चे दोनों पढ़ रहे थे अभी, देखो चीकू भी पढ़ाई कर रहा है और आदि ने 1-10 लिखी है, देखो कितनी अच्छी 1-10 लिखी आदि ने। टकले हाँ आप आदि से बड़े भी तो। चलो भाई बच्चों का डिनर भी हो गया और डिनर के बाद इसके चॉकलेट्स भी होगी स्टार्ट। आप तो पहले ही खा लेते हो बेटा। चलो ठीक है दोस्तों यार अभी रात के 9:30 बज गए हैं, बस मैं भी अब डिनर करूँगा और उसके बाद आज तो जल्दी मुझे सोने को मिलेगा, इतने भी और 10 बजे मैं घर में उठ रहा हूँ, उसके बाद 1.5 घंटा तो सोने में, तो आज जल्दी सोएंगे। तो ठीक है इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, अच्छा लगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।